दोस्तों YouTube ने आपके YouTube चैनल को सस्पेंड या डिलीट कर दिया है चाहे कम्युनिटी गाइडलाइंस या कॉपोरेट स्ट्राइक की वजह से किसी भी वजह से आपका चैनल डिलीट कर दिया है तो उसका आपका वीडियोस भी जो है आप चाहे 100 वीडियोस हो 200 वीडियोस हैं या 10-15 वीडियोस भी आपने अपलोड किए हो तो सब आपके जो है लूज हो गए मतलब डिलीट हो गए तो उसको कैसे डाउनलोड करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है मैं इस पे क्लिक करते ही ये मेरे सारे यूट्यूब की जो है मेरे डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएंगे आप भी अपनी डिलीटेड चैनल से कर सकते हैं ये जो चैनल है ये डिलीटेड चैनल है जो यूट्यूब की तरफ से टर्मिनेट हो चुका है तो इस चैनल के वीडियोज को मैं यहाँ पे रिकवर कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं MB का जो है है मेरे इस चैनल पे एक 40 वीडियोस थे 40 वीडियोस थे शॉर्ट वो भी कुछ सेकंड के तो टोटल जिसको मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ब्राउजर और यहाँ पे आपको सर्च करना है माय अकाउंट या फिर आप ये भी लिख सकते हैं माई अकाउंट डॉट गूगल डॉट कॉम और उसके बाद सर्च कर देना है सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट जो फर्स्ट लिंक है गूगल अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर लेना इस पे क्लिक करते ही थोड़ा लोड होने के बाद आपका ऐसा पेज ओपन होगा गूगल अकाउंट और पर्सनल इन्फो ऐसा तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है डाटा एंड प्राइवेसी इस इस पे पे आपको आपको क्लिक क्लिक कर लेना इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और ध्यान से देखिए दोस्तों इस मेथड को आपको अच्छे से फॉलो करना है अगर आप इसको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो आपका चाहे वीडियो रिकवर नहीं हो पाएगा और उसके बाद नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड और डिलीट योर डाटा तो यहाँ पे डाउनलोड और डिलीट दोनों यहाँ पे साथ में दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे और ध्यान रहे दोस्तों इस मेथड से सिर्फ आप अपने तो यहाँ उसका लिंक रहेगा वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि आप अपना चैनल को कैसे रिकवर कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट मेथड है और बहुत से हजारों लोगों को अपना चैनल वापस आया हुआ है तो आप उस मेथड से अपना चैनल को रिकवर कर सकते हैं और अगर आपने उस मेथड को ऑलरेडी फॉलो कर लिया

इसको आपको क्लिक कर लेना है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मैं भी और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑल योर डाटा ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करके चेक कर लेना है यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आएगा इसमें वीडियो मीडिया इंटरक्शन वीडियो वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो टेक्स्ट ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा वो सब सी एस पी फॉर्मेट करके फॉर्मेट क्या रहेगा वो दिखा रहा है आपको यहाँ पे। तो इसको आपको जरूरत नहीं है आप यहाँ पे जो राइट साइड में देख रहे हैं ऑल यूट्यूब डाटा इंक्लूडेड तो इसको आपको क्लिक करना है इसको क्लिक करके यहाँ पे आपको डी सिलेक्ट ऑल कर

ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने उस पर बहुत मेहनत की है तो आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करना है और बाकी सबको डिसलेक्ट रहने देना है मतलब सेलेक्ट नहीं करना है तो मैं फिर से दिखा देता हूं दोस्तों ऐसे नॉर्मली ऐसा रहेगा और उसके बाद आपको एक एक करके करना है उससे अच्छा है ऑल कर दीजिए और उसके बाद वीडियोस को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करना है ओके करना, है। करना मत बुझे अगर कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो गलत हो जाएगा इसलिए ओके पे क्लिक करना है अब आप यहाँ देख सकते हैं वन टाइप सेलेक्टेड तो यहाँ पेडियो सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है दोस्तों आउट ऑफ मतलब यहाँ पे कि जितना भी हो यहाँ पे सिर्फ वन होना चाहिए नहीं तो अगर आप ज्यादा सेलेक्ट हो जाएगा लाइक गलती से आपने ये कर दिया तो तो पे टू हो जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि अगर वन से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लेना है कि और क्या सिलेक्टेड है यहाँ पे तो उसके बाद आपको सिर्फ वन उसके बाद यहाँ पे देखना है यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है इसको क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ गया है यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको चूज फाइल टाइप चूज फाइल टाइप

डाउनलोड लिंक वायल एट टू ड्राइव एट टू ड्रॉप बॉक्स ख्याल से बहुत लोग इन सबको यूज नहीं करते हैं अगर यूज करते होंगे तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली पे जो है सेंड डाउनलोड लिंक वाया अगर आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं सेंड डाउनलोड लिंक वाई मेल तो ऐसा क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सपोर्ट वंस या फिर एक्सपोर्ट एवरी टू मंथ फॉर वन ईयर आपको इसको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट वंस करते हैं तभी आप जो है वीडियोस एक ही बार में आपके पास आ जाएगा चाहे सौ वीडियोस हो हजार हो अगर आप गलती से इसको क्लिक कर देते हैं मतलब दो वीडियो चार वीडियो ऐसे करके आपको आएगा तो हमको ऐसा नहीं करना है हमको सिर्फ एक्सपोर्ट वंस अगर आप चाहें तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ चालीस वीडियोज है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे फाइल टाइप

उसके बाद आप देख सकते हैं से चालीस मिनट में यहाँ पे हमारा डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है और पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका जो है डाउनलोड शुरू हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा आपका जो जी मेल का पासवर्ड एंटर एंटर कर लेंगे मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूं तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लिया और नेक्स्ट जैसे ही करूंगा नेक्स्ट करने के बाद वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और डायरेक्टली हमारा वीडियो जो है डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों तो पे मैं डाउनलोड्स देख सकते हैं दोस्तों टॉप में यहाँ पे डाउनलोड हो हो चुका है हमारा जिप फाइल जो है हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है अब हम इसको ओपन करके हमारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं तो जैसे ही मैं पे Windows Explorer open करता आप पे विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करता आप देख सकते हैं हमारा फाइल ओपन हो चुका है अब हम इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारा जो है उसमें सारे के सारे वीडियो हमारे शो होने लगेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप चैनल पे कितने वीडियोस थे जो डिलीट हो गए थे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड Bye bye.